अरदास दे नाल छेड़छाड़ मामले में अकाली आगू सिकंदर सिंह मलूका श्री अकाल तख्त साहब ने दोषी ठहराते हुए धार्मिक तनखाह लगाई है। दरअसल पंजाब के कैबिनेट मंत्री और सीनियर अकाली आगू सिकंदर सिंह मलूका वालों बीते दिन अपने चोन दफ्तर के उद्घाटन मौके अरदास तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब वालों एक कमेटी बना के इसकी जांच के हुक्म दिए सन। कमेटी ने पिछले दिन इस मामले की रिपोर्ट पंच सिंह साहबानों सौंप दी सी। हुण पंच सिंह साहबां वालों मलूका गुरु घर विखे धार्मिक सेवा लगाई गई है, जिस विच मलूका श्री दरबार साहब अमृतसर विखे एक श्री अखंड पाठ साहब अते तीन दिन एक एक घंटा लंगर अते विच बर्तन साफ करन अते जोड़े घर विखे जोड़ियां दी सेवा करनगे। मलूका वध तों वध चल रहे श्री अखंड पाठ साहब की गुरबाणी सरवण करनगे अते श्री अकाल तख्त साहब विखे 51,000 रुपए की रसीद कटवाउणगे। इस तों इलावा मलूका तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहबो विखे भी एक दिन के लंगर की सेवा अते जूठे बर्तन मांजन की सेवा करनगे अते 31,000 रुपए की गुरु की गोलक की रसीद कटवाउणगे। अते इह सेवा पूरी करन तों बाद श्री अकाल तख्त साहब विखे नतमस्तक हो के 500 रुपए कड़ा प्रसाद की दे करवा के खिमा की अरदास करवाउणगे। जो फैसला बिल्कुल ठीक है, प्रवान है कि ना करन दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। भविख दे विच इस दे तों उन्हां सारिआं नूं सिख्या लैणी चाहीदी है कि अगर भविख विच खुद भी ऐसा कोई जाणबुझ के करदा तां उत्ते सख्त तों सख्त कारवाई कीती जावेगी। जिहड़ी साडे कोले रिपोर्ट आई आ कमेटी दी, जिहड़ी कमेटी तुहानूं प्रधान साहिब ने बनाई है, उहदे विच उस नूं मलूका साहिब मलूके नूं दोषी ठहराया गया। उस रिपोर्ट दे आधार दे उत्ते उन्हां नूं इह सेवा लगाई गई है। वैसे भी अनमत तो उल्ट कोई भी काम करने वाला हर एक तनखाइया होंदा है, जो रहत मर्यादा विच लिखिया होया है। लिखती सबूत विचार नहीं हो सकी। हाँ जी, हाँ जी, पिछली बारी मीटिंग नहीं, विचार नहीं हुई कोई।